देखिए अभी हमारे पास 93% फैकल्टी है, और जब हमारी सरकार बनी थी तो हम पे 46% फैकल्टी थी। तो एक बड़ा उछाल हमारी सरकार में आया है कि हमने लोगों को रोज़गार भी दिया है, अच्छी फैकल्टी भी दी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस साल पहले तो हमारा प्रयास है कि 100% फैकल्टी हो जाएगी, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग के लगभग 7 सब्जेक्टों का जो है इंटरव्यू हो गया है, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उच्च शिक्षा में 99% फैकल्टी अब हो जाएगी। आज भी हमारे 82 कॉलेजों में 100% फैकल्टी है। जहाँ तक 4G कनेक्टिविटी का सवाल है, तो हमारे लगभग 3.5 लाख छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और कोविड के कारण ऑनलाइन पढ़ाई पूरे देश में हो रही है, हमारे राज्य में भी हो रही है। कई कॉलेजों की डिमांड थी कि साहब हमको कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमारी सरकार ने एक बड़ा काम ये करने जा रही है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पे, कि हम उत्तराखंड के 105 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में कनेक्टिविटी के टावर लगाए जाएंगे, 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी और हर कैंपस को वाईफाई फ्री किया जाएगा। मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य होगा ये जो कि लाखों छात्रों के लिए एक बड़ा काम करने जा रहा है। देखिए 8 तारीख को 4 कॉलेजों की शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री जी डोईवाला से उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे जो उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष हैं दीप्ति रावत भारद्वाज जी, वो जो है हमारा जो सुदूर कॉलेज है चक्रोता उससे शुभारंभ करेंगे, और हमारे जो दूसरे उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर बिष्ट जी वो जो है कालाढूंगी से शुरू करेंगे, और चौथा कॉलेज हमारा गरुड़ बागेश्वर का है वहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन हम 1 या 1.5 महीने में 100% कॉलेजों में ये कनेक्टिविटी दे दी।